आप सभी साथ साथ में प्रार्थनाएं जो सामान्य हैं, ये जो श्लोक हैं उन्हें भी दोहराएंगे। सबकी गीता बुक में सामने में दिया हुआ है, इसलिए यदि कहीं पर समझ में ना आए तो पेज नंबर 1 में सारे श्लोक दिए हुए हैं, तो आप देख करके बोल सकते हैं। प्रयास करें हम सभी कि किसी भी अवस्था में, ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रभु जी कहते हैं, और साथ ही सभी आचार्यों का कहना है कि हम यदि ऑफलाइन मोड पर नहीं मिल पा रहे हैं तो वर्चुअल मोड में है, तो एक दूसरे के साथ बैठ करके एक संबंध स्थापित करते हुए कक्षा को ले, तो जिनसे संभव हो सके वे अपने वीडियो जरूर ऑन करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वादैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी नमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथा ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रजा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। गुरुशील प्रभुपाद की जय। समस्त गुरुजनों की जय। समस्त भक्त की जय। निताय ताय कौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हमने विगत 2 दिनों से हम गीता सार पढ़ रहे हैं, तो आप में से कोई बता सकता है कि इन 4 श्लोकों में हमने क्या समझने का प्रयास किया? कोई भी, फिर अगर आप लोग हैंड रेस करेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो फिर मैं रैंडमली किसी से भी पूछने का प्रयास करूंगी। कोई बता सकता है? सत्यवती सिन्हा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैंने जी बताइए, बताया क्या सुना, क्या समझने का प्रयास किया इन 4 श्लोकों में? नहीं बता पाऊंगी माता जी। हरे कृष्ण, कृष्णा हीना माता जी, हरे कृष्णा। हीना माता जी, हरे कृष्णा। अहिल्या माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।
प्रणाम माता जी। माता जी अच्छा ठीक, बताइए। यहाँ पे अर्जुन अर्जुन कृष्ण भगवान से यही बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता और मैं अपने परिजन लोगों को नहीं मार सकता, बस ऐसी है माता जी, और ज्यादा नहीं बता सकती। आपने प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या कक्षा में सभी लोगों के पास अपनी अपनी डायरी पेन कॉपीज है कि नहीं है? हमारे पास हमारी है जिसपे हम नोट्स लिखते हैं। सबके पास पेन कॉपीज हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो सबसे पहले जाकर के एक डायरी पेन कॉपी लाइए जिसमें आप प्रतिदिन बताए जाने वाले चीजों को लिख सकें। हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र बुद्धि नहीं है कि हम चीजों को हर समय याद रख सकें, इसलिए हर श्लोक का कोई ना कोई मुख्य बिंदु होता है, तो हमको उसे लिखना है। कई सारे श्लोक के बहुत सारे रेफरेंसेस श्लोक होते हैं, उससे हमें श्लोक को समझने में आसानी होती है। तो आप लोग अगर किचन में पराठे सेक रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, तो भी आप कॉपी पेंसिल पास में रखिए और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में वहां लिखिए। जैसे वो पीए होते हैं ना मंत्रियों के, तो लोग शॉर्ट हैंड टाइपिंग करते हैं स्टेनो लोग, बस वैसे आप लोग भी लिखिए। अगर नहीं लिखोगे तो भगवद गीता कभी समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, अब ये तो एक अच्छी चीज पता चली कि लोग नहीं लिख रहे हैं, यानी हमारे भक्त नहीं लिख रहे हैं। आप लोग सब कुशाग्र हैं, हम तो पतित है भाई, हमारी तो मेमोरी बहुत ही खराब है। तो अब ये कोई बता दे मुझे 2 मिनट में कि पहले अध्याय का महत्वपूर्ण हमारे इज्रिस गौतम बुद्ध प्रभु जी ने, इज्रिस रोहिणी नंदन प्रभु जी ने, इज्रिस तमाल कृष्ण प्रभु जी ने और समय में हम सबने मिलकर 25 पॉइंट पहले अध्याय के बताए हैं। तो कोई कोई एक भी बताएगा? कुछ भी बता सकता है कि पहले अध्याय का सार क्या है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर आगे पार्ट और पीछे सपाट। यस जी माता जी, सत्यवती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्सवा माम का पांडवस्य वा किं कुर्वत् संजया। यहाँ पे इसका यहां से पिक्चर जी शुरू होती है ना? जी माता जी, तो धृतराष्ट्र ने कहा संजय, यहाँ पे जो इतना मतलब पवित्र और युद्ध स्थल में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए संजय ने संजय को कहा धृतराष्ट्र ने। कृष्ण जी माता जी, और ज्यादा नहीं बता सकते। हरे कृष्ण इसने लक्ष्य है ना, बताओ जी माता जी कि आगे क्या होने वाला है। बढ़िया, जी और देखिए, कोई कुछ बता सकता है? और बताएंगी? नहीं ना, ठीक है। और कौन क्या बता सकता है? आज हमारे साथ कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से आपने हमारी बात मानी, हमारे कॉल को रिसीव किया, आप सबका धन्यवाद। हम आप सभी भक्तों से, नए जुड़े हुए सभी भक्तों से हर तीसरे दिन बात करेंगे। यदि हम ना कॉल कर पाए तो आप सभी मुझे कॉल कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और कौन बताना चाहेगा? अंकिता हरे माता जी, कृष्णा माता जी। माता हरे कृष्णा। जी ज्यादा तो पता नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलता है, को बोलने की कोशिश करते हैं। पहले पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, और युद्ध भूमि में क्या क्या हुआ, क्योंकि संजय संजय ने संजय को वरदान मिला था कि वो युद्ध भूमि का सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद सब युद्ध भूमि में अपने अपने शंख फूके,
जैसे कि भीम ने और यू जो कुरुक्षेत्र के जो अस्त्र पांडव पुत्र ने शंख फूंका, उसके बाद अर्जुन ने कुछ अर्जुन ने श्री माधव से बोले कि मुझे बीच में ले जाइए, मुझे देखना है दोनों तरफ युद्ध के, दोनों तरफ बीच में ले जाइए, देखना है बिल्कुल युद्ध में कौन कौन है। उसके बाद लेने के बाद जिसे देखे वो सब अपने ही है, और देखने के बाद उन्होंने बोले कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब ही अपने ही है, जैसे मामा साला भैया पुत्र पुत्री ससुर गुरुओं मामाओं भाइयों बहुत लोग हैं। उसके बाद वो उन्होंने बोले कि मेरा सर चकरा रही है, मेरा शरीर कांप रही है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रही है, ये से बोल रहे हैं कृष्ण से, मैं युद्ध युद्ध नहीं करने की समर्थ नहीं हूँ, अभी असमर्थ हो रही हूँ। ये उसके बाद कृष्ण सॉरी माधव ने उन्हें अर्जुन ने माधव से ये सब बोल रहे हैं, माधव यहाँ उससे इसके बाद माधव ने अर्जुन को समझाया ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपने ही है, लेकिन युद्ध करना भी जरूरी है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए युद्ध करना भी जरूरी था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया माता जी आपने, प्रयास किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अति आवश्यक है ये प्रथम अध्याय को समझना, प्रथम और द्वितीय अध्याय को जिन्होंने भी समझ लिया, मैं प्रतिदिन यही बात कहती हूँ कि जिन्होंने पहले और दूसरे अध्याय को समझ लिया है वो सब कुछ समझ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये माता जी प्रभु जी लोग को बस आगे नहीं बढ़ते, वहीं 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 पर कहानी घुमाते हैं। तो जो पहला अध्याय है वो है सैन्य निरीक्षण, जिसको बोलते हैं सेल्फ निरीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने आप को अर्जुन की जगह रख करके देखिए, जहां आप खुद धर्म युद्ध की लड़ाई में बैठे हुए हैं, के आसपास आपका पूरा परिवार है जो कई बार आपकी आज भक्त होने के बाद बात नहीं सुनता है, क्योंकि तो आप कृष्ण के नित्य सेवक हैं, और आपके पास एक मित्र है नीम चढ़ा करेला जो आपको ऐसी कठोर बातें बोल रहा है। यानी अब आप उसी मित्र की बात को मानकर अपने परिवारजनों को ये बात समझाने का भी प्रयास करते हैं कि आपको इस अज्ञानता से बाहर निकलना है, और आपको इस अज्ञानता से बाहर निकल करके आप परिवार वालों को दूसरे अध्याय के स्तर पर बात बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में यदि कुछ है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, श्री भगवान है जो हमारी सारी समस्याओं मुश्किलों का सामना करके हम यदि उनकी नित्य सेवा करते तो इस जंजाल से, इस माया जाल से, इस भव सागर से, इस कलमश जगत से हमें बाहर निकाल लेंगे। इसलिए ये पहला अध्याय आप लोगों के लिए है, ना कि अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए यहाँ कुछ भी चीजें अति आवश्यक थी ही नहीं, आवश्यक तो दूर की बात, ये हमारे लिए, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन है फर्स्ट चैप्टर। और हम उनके पास था एक ऐसा दोस्त जिन्होंने दूसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में बता दिया, भैया तुम कमजोर हो, तुम नपुंसक हो, रहे हटो अभी तुम्हारे को नहीं देखने का। अब भगवान यहाँ पर पांचवें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अब हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज के पांचवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, और होमवर्क करना है कि पहले अध्याय के वो कौन से 25 पॉइंट हैं जो पांचों स्पीकर्स ने आप लोगों को बताए हैं, हिजरे सकलात्मक प्रभु जी, हिजरे गौतम बुद्ध प्रभु जी, हिजरे रोहिणी नंदन प्रभु जी, हिजरे समाल कृष्ण प्रभु जी, और स्वयं कृष्णराधिका देवीदासी ने। ठीक है, अभी भगवान ने कहा था, अभी भी अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच चौथे श्लोक में, अभी भी अर्जुन कह रहे हैं। अब अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुरु हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पिहलोके अत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुज्जीय भोगान रुधिर प्रदीप्त गधान। फिर से, गुरु हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्षम
लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव पूज्य भोगान रुधिर प्रदिग्ध धाना पुनः गुरु हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम वैक्षम पीहलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव पूज्य भोगान रुधिर प्रदिग्ध धाना। हरे कृष्ण जी पढ़िए। गुरुन प्रभु हत्वा हि महानुभावन सेवो भोक्तु भैक्षम पीहलोके हत्वार्थ कामस्तु गुरुनिहेव भुज्जे भोगान रुधिर प्रतिघत धाना। हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत गुरुन हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके हत्वार्थ कामन्तु गुरु एव भुङ्क्ति भोगान रुधि प्रधान। हरे कृष्ण। और कोई? हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। कृष्ण। अच्छा पढ़िए माता जी। गुरु न हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भुक्तम भेच्यम मही मपहि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुज्जी अभोगानु रुधिर प्रदिग्धान। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। गुरु न हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पिहलोके हत्वार्थ कामंस्तु गुरु निहेव भुंजे भोगान धीर प्रदिग्धान। हरे कृष्ण। हरी बोल। और भी पढ़ना चाहेगा? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ की ओर। गुरुन गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महानुभावन महापुरुषों को श्रेय अच्छा है भोक्तुम भोगना भैक्ष्यम भीख मांगकर अपि भी इह इस जीवन में लोके इस संसार में अथवा मारकर अर्थ लाभ की कामन इच्छा से तू लेकिन गुरुन गुरुजनों को इस संसार में एव निश्चय ही भुज्जीय उगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तु रुधिर रक्त से प्रतिग्धान सनी हुई रंजित। अनुवाद। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसार के लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो वह हमारे द्वारा भोग के प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग्न कर्म में रत हो जो विवेक शून्य हो ताज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है रक्त से सने हुए अवशेषों का भोग करना। अब सोच रहे होंगे इसमें कुछ ऐसा तो खास है नहीं कि अभी ठीक है अर्जुन ने तो बोल दिया है, अर्जुन ने तो बता दिया है, अभी क्या करना है। आपको ये मुझे बताएगा यहाँ पर अर्जुन कौन से गुरुजनों की बात कर रहे हैं? पहला ही शब्द है गुरुन हत्वा।
कोई बताएगा कि कौन गुरु की बात कर रहे हैं अर्जुन? अर्जुन यहाँ बात कर रहे हैं हरे कृष्ण माता अपने जी, हरे कृष्णा। माता जी अर्जुन यहाँ अपने जो भाइयों, पुत्र पुत्री, मामों ससुर, उनके बात कर रहे हैं गुरुजनों। जी ठीक बताया माता जी, लेकिन यहाँ गुरुन हत्वा अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? किसी लोकिनी को इंडिकेट किया है ना अर्जुन ने, द्रोणाचार्य हुआ, और ताक्षरी, महामहिम भीष्म, पिता जी महामहिम भीष्म। महा, और उन्होंने द्रोणाचार्य को इंडिकेट किया है कि मैं उनसे सब कुछ सीखा हूं, वे दोनों मेरे परम पूज्य गुरु हैं, मैं उनकी हत्या कैसे कर सकता हूं? लेकिन यहाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण और समझने की बात यह है कि ऐसा विचार जब अर्जुन कर रहे हैं तो अर्जुन यहाँ अपने मित्रों से, अब सोचिए दो मित्र एक जगह रथ पर बैठे हैं, सोचिए दोनों मित्र आपस में कहीं बैठे हैं और दोनों मित्र क्या बातें कर रहे हैं। अब अर्जुन पुनः यहाँ पहले अध्याय का तर्क दे रहा है। पहले अध्याय के तर्क किसी को भी याद है? एकदम दो लाइन में हमको बता सकते हैं कि अर्जुन ने कौन कौन से तर्क दिए थे? जी माता जी, हरे कृष्ण। माता हरे जी कृष्ण। तर्क दिए थे इनको मार के, जो ये हमारे जो गुरुजन है उनको मार के क्या लाभ मिलेगा, जो मिले के राज्य मिलेगा उस राज्य से क्या मिलेगा हमको, खुश का राज्य मार के उनकी खुशी खुशी क्या मिलेगा इससे। और बताए थे उनको जो उनके पुत्र थे, जो मारने के बाद उनके पुत्र जो जन्म हो गए, उनके उनको हम क्या बताएंगे उनके बारे में, जैसे जैसे हमारे बड़े जी, हमें अपने पिता माता के बारे में पिता के बारे में जाने तो माता बोलेंगे, और जैसे उन पिता माता के उनके पिता माता के बारे में जानना है तो उनसे पूछना पड़ेगा वैसे ही। बिल्कुल ठीक बताया है कि अर्जुन अब वहां सारी चीजें बता रहा है भाई कि मैं कैसे मार दूं, क्या कर दूं। कृष्ण अभी भी आप बोल रहे हो, अभी पिछले श्लोक में अर्जुन ने बोला है ना, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, बलदेव विद्या भूषण जी भी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी अपनी टीकाओं में कह रहे हैं कि भाई अभी आप मुझे बोल रहे हो उठो खड़े हो जाओ गांडी उठाओ और अपने नाना पितामह गुरु आचार्य कृपा और अपने भाई बंधुओं को मार दो। अच्छा आपके सामने आपके नाना आएंगे यानी आपके गुरु सेन जी आएंगे, आपके गुरु संदीपनी मुनि आएंगे तो आप मार दोगे क्या? अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को ये बात बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर अर्जुन फिर तर्क दे रहे हैं कि मैं ऐसे महान गुरु को कैसे वध कर दूं? यहाँ लिखा है ना महानुभावन, अर्थात ऐसे उदारशील ऐसे महान कि उनको कैसे मार दूं जिनकी विचारधाराएं श्रेष्ठ हैं। इसलिए इसका रेफरेंस आता है पहले अध्याय के 23वें श्लोक से, जहां पर उन्होंने बताया है कि क्या लिखा है कि एक बार कोई भी 1.2.3 पढ़ेंगे, 1.23 कोई भी उसका अनुवाद एक बार पढ़ दीजिए। गौतम बुद्ध प्रभु जी जी माता जी, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर 23 बोले ना माता जी, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हुए हैं। बिल्कुल, अब यहाँ यही बात कह रहे हैं कि आप देखो पहले उनको, उन लोग मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं और अब आप बोल रहे हो मैं इनको सबको मार दूंगा तो क्या होगा? इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, ये बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण है, सभी इसको अंडरलाइन भी करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निघ्न कर्म में रत हो, जो विवेक शून्य हो, वो ताज्य है। ये ने ऐसा गुरु जो अपने स्तर से गुरु गिर गया है, कहा जाता है ना कि कीबा विप्र कीबा नासी शुद्ध केनो नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, अर्थात जो हमें कृष्ण से मिला रहा है, कृष्ण तत्व के बारे में बता रहा है, जो ये बता रहा है कि निरंतर हर पल हमें किस प्रकार से ये कार्य को करते रहना है, जो किसी देहात्म शरीर से ना जुड़कर उसकी सेवा करने के लिए बता रहा है, उस आध्यात्मिक चिंतन की बात कर रहा है,
वही गुरु श्रेष्ठ है। और जो गुरु अपने ही स्तर से नीचे गिर जाए, जो केवल और केवल अपने बारे में, अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचे, क्योंकि भीष्म पितामह अपनी उस गद्दी के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे, अपनी उस गद्दी के लिए कि जो कोई भी राजा इस सिंहासन पर बैठेगा मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं कि मैं इस हस्तिनापुर की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध करूंगा। इसलिए ऐसे गुरु ताज्य हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि अब वे अपने गुरु के स्तर से नीचे आ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ये जो बात कह रहे हैं, उन तर्कों का खंडन श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण ने उसका पक्ष लेने के लिए भी बाध्य थे, क्योंकि द्रोण की भी उन्होंने सहायता करी थी। दुर्योधन ने किसी भी तरीके से उन्हें अपने पक्ष में करके रखा हुआ था। हर तरीके से आर्थिक सहयोग, यानी कि हर व्यक्ति यहाँ पर अर्जुन से इसलिए दबा हुआ था क्योंकि अर्जुन ने सबको अधर्म रूपी लक्ष्मी दे करके अपने पक्ष में खड़ा कर लिया था। ऐसे कई उदाहरण हमारे को हमारे जीवन में भी देखने को मिलते हैं कि जब कई बार हम किसी व्यक्ति को गलत होते हुए भी हम देखते हैं और हम कहते हैं कि ये आपको कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उसने कभी ना कभी हमारी सहायता की होती है। तब हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति का मैं कैसे एहसान, अगर मैं उसके विरोध हो जाऊंगा तो उसे तकलीफ होगी, चाहे वो गलत ही और निंदनीय कार्य क्यों ना कर रहा हो। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं, और आज जब ये चर्चा मैं कर रही हूं तो निश्चित तौर पर हर एक के हृदय में ये बात आ रही होगी कि बिल्कुल हमारे भी जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने हमें कभी आर्थिक सहायता तो करी है किसी सही अवस्था में, किंतु जब उन्होंने कभी गलत किया और हमने उसका विरोध करना चाहा तो हम नहीं कर पाए। उसी प्रकार से यहाँ पर द्रोणाचार्य और भीष्म भी हैं। जब उस भरी सभा में द्रौपदी के साथ गलत हुआ तब भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य चुप रहे, क्योंकि वो वहां की अर्जुन का नमक खा रहे थे, अर्जुन के उस हस्तिनापुर के मंत्री परिषदों में थे। इसलिए इसके बाद आगे कह रहे हैं, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे गुरु जनों, वे गुरु ही जन है, तो मैं उनका वध कैसे कर दूं, क्योंकि भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त सने हुए अवशेषों का भोग करना। यानी उसने पुनः अपने दिए हुए 29 से लेकर 44 तक के श्लोकों का पुनः उसने वध कर दिया। हरे कृष्णा जी, क्षमा चाहती हूँ, मैंने अर्जुन का नाम लिया, दुर्योधन। दुर्योधन के अधर्म को उन्होंने स्वीकार किया, दुर्योधन के अधर्म के उस शासन को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हमारे बीच में हमारे शिक्षा गुरु हजरत समाल कृष्ण प्रभु जी हम सभी के बीच हैं, आपका को यहाँ से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और आपने इसे सुधार किया, इसके लिए भी धन्यवाद। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने हुए अवशेषों का भोग करना। इसलिए उन्होंने 27 से लेकर 29 44 तक के अपने पुनः पूरे तर्कों को आज कृष्ण के सामने अर्जुन ने रख दिया है कि ये जो भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, ये वे सभी महान अनुभव हैं जो कि आज दुर्योधन की सेना में खड़े हुए हैं, और जो उनका साथ दे रहे हैं मैं उनका भी वध करके ये कार्य अभी नहीं कर सकता। अब आगे क्या कहते हैं, छठवां श्लोक, ना चै तो दिग्गा करनो करियो यदा जमे यदि वानो जयेयु याने हत्वा ना जी जी विषाम ते अवस्थिता प्रमो के धात्रराश्च। पुनः ना चै त्वदिता कर्तन गरियो यदा जयेयम यदि वानो जयेयु याने हत्वा ना जी जी विषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्र। हरे कृष्णा, आप में से जो भी पढ़ना चाहें पुनः।
जी प्रभु जी, हरि बोल। नाचा नाचा एतत् वितकरत् नगरियो यज्जा जयेम यदीवाना नो जयेसु याने वहत्वा न जिजिजीविषामा स्ते अवविस्ताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नचेत द्विधा कतरत्रोः, ऐसे ना माता जी, तन्नो कत कतरंगो। आधा आधा ना है ना, आधा ना अच्छा और नो जी, ऐसे पढ़ रही। कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि माता जी वानो। हरी बोल। सत्यवती माता जी फिर से पढ़िए, आप चप पढ़ती हैं श्लोक। जी माता जी। न चेत् द्विधा कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जी जीविषाम स्तेव वसिष्ठा वसिष्ठा प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। चेत हरे कृष्ण। द्विधात् कर्तर्नो गरियो यद्वैत जमे जयेम यदि वानो जाये वो याने वहत्वा न जी जी विषामा अस्ते अविस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दनवत प्रणाम में पढ़ रही हूँ। प्रणाम। न चैत द्विविध कतरन्न गरियो यद्वा जयेम यदीवान जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते इस्ते अविस्थाः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हरे कृष्ण। बोल। आइए हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। ना नहीं च भी एतत् यह विग्रह हम जानते हैं, कतरन जो ना हमारे लिए गरिया श्रेष्ठ, यत्वा अथवा जमेय हम जीत जाएं, यदि यदि वा या न हमको जयेयु वे जीते, यान जिनको एव निश्चय ही हत्वा मार कर न कभी नहीं जिजीविषाम हम जीना चाहेंगे, ते वे सब अवस्थिता खड़े हैं प्रमुखे सामने धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद। हम सभी यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यहाँ आप लोग बता सकते हैं कि ये जो आज अर्जुन बात कर रहा है, ये कौन से लेवल पर आकर अर्जुन बात कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से? अर्जुन ये जो भगवान श्री कृष्ण से चर्चा कर रहा है, अपने मित्र से कह रहा है, जहां पर वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दोनों पक्षों के बीच में ले जाकर अपने रथ को खड़े करा दिया है, और देख करके आज कौन से स्तर पर अर्जुन ये सारी बातें कर रहा है, किस कल्मश के बारे में ये सारी बात कर रहा है? अभी पूर्वत में ही हमने जिन श्लोक का चर्चा करी है, तीसरे नंबर के श्लोक की, वहां पर अर्जुन किस लेवल की बात कर रहा है? अर्जुन यहाँ बात कर रहा है, आपको मैंने बताया था और पिछली कक्षाओं में भी बार बार बात हो रही है कि अर्जुन अभी बात कर रहा है देहात्म बुद्धि से, यानी अभी तक उसने भगवान के श्री चरणों में वो शरणागति नहीं दी है।
अभी भी वो वही बातें कर रहा है कि मैं क्यों मारूं और जीत भी लूंगा तो क्या कर लूंगा। यानी वो अभी भी सारी चीजें पहले अध्याय से जुड़ी हुई है उसकी, जहां वो सिर्फ अपने दर्द के बारे में बात कर रहा है, अपने परिवारजनों के बारे में बात कर रहा है, जहां वो दुर्योधन को यानी धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को भी अपना ही बता रहा है, अपने गुरुजनों को भी अपना ही बता रहा है, उनसे जुड़े हुए सारे लोगों को भी वो अपना बता रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण की दी हुई उस अक्षुणी सेना को भी वो बोल रहा है कि मैं ये सब कुछ कैसे कर दूं, क्योंकि वो बात कर रहा है किस स्तर की, इस देहात्म बुद्धि के स्तर की बातें कर रहा है। इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको हमको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यानी वो बोल रहा है यदि पिछले श्लोकों में कि मेरा हाथ से अगर गांडीव गिर भी जाए और सामने से यदि कौरवों की सेना आकर मुझ पर प्रहार करती है तो भी मैं मरना स्वीकार करूंगा। इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में अब कह रहे हैं, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्त रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। अर्थात शिल प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन कुछ भी नहीं सोच पा रहा है, वो सोच रहा है युद्ध नहीं करूं तो भी चलेगा क्या, क्या ये अनावश्यक रूप से रक्तपात करना जरूरी है क्या, ठीक है युद्ध नहीं करता मैं भीख मांग के खा लूंगा, मेरे शांति दूत भगवान श्री कृष्ण वहां गए थे, कहे थे कि 5 पग भूमि भी दे दो है तो, अरे 5 ही गांव दे दो इनको, वो भी नहीं दे पा रहे हो तो, तब भी नहीं मिला, कोई बात नहीं अब मैं भीख मांग के खा लूंगा, पर मैं अपने क्षत्रिय धर्म से पतन करने को भी तैयार है। क्यों? क्योंकि अभी उसका चिंतन, अभी उसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगा है, अभी तक उसने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अभी तक वो केवल अपने मित्र से मित्रवत बातें कर रहा है। इसलिए वो अपने उस वर्ण को, अपने उस क्षत्रिय धर्म को भी छोड़ने के लिए बहुत यहाँ तैयार हो गया है। आगे कहते हैं शिल प्रभुपाद, यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। अभी देखिए उसको विश्वास नहीं हुआ है कि जिसको उन्होंने कहा है आप मेरे सारथी बन जाओ, यदि वो मेरे इस रथ पर विराजमान है तो क्या मैं जीतूंगा कि नहीं, अभी ये भी नहीं सोच रहा है। उसको ये भी पता है कि हम सब ने मिल करके और स्वयं भगवान ने और साथ ही इस रथ पर विराजमान स्वयं कपि ने जब शंखनाद हुआ, जब एक साथ शंखनाद हुआ तो स्वयं हनुमान जी ने भी अपनी ध्वनि के साथ विजय की ध्वनि सुना दी थी, लेकिन आज वो सारी चीजों से परे हो गया है, सारे विजय के लक्षण भूल गया है आज अर्जुन। किस कारण? अपनी देहात्म बुद्धि के कारण। इसलिए वो ऐसी कलमश जगत की कलमश की बातें कर रहा है, तो करकट निकाल रहा है अपने मन का, अज्ञान रूपी अंधकार की बात कर रहा है, वो नपुंसकता की बात कर रहा है, दौर्बल्यता की बात कर रहा है। इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पुनः लिख रहे हैं कि आज अर्जुन अपने क्षत्रिय गुण भूल चुका है, विजय के लक्षणों को भूल चुका है, वो ये बात भूल गया है कि स्वयं श्री भगवान उसके रथ पर आसीन है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसे अंडरलाइन करिएगा कि यहाँ पर वह भूल चुका है यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही है, और फिर भी जीत भी तो निश्चित नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है, वह अपने सारे लक्षणों को भूल चुका है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मारते हैं तो उसके बिना रह पाना भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। अब वो ये समझ रहा है, बातें कर रहा है कि यदि कौरव भी मारे जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूंगा सारी चीजों को भोग करके। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला भी था।
में से बता सकते हैं कि हमने कहाँ पर अर्जुन के इन गुणों की चर्चा करी थी, कौन से श्लोक में, पिछले अध्याय में, अभी अभी हम पढ़े हैं, कि कौन से अर्जुन के महान भक्त होने के गुण शीला प्रभुपाद ने अपने पिछले तात्पर्यों में भी बताए हैं। इसलिए शीला प्रभुपाद के हर तात्पर्य को पढ़ना और समझना, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। शीला प्रभुपाद ने पिछले ही अभी तात्पर्यों में बताया है कि अर्जुन के ये सारे गुण है, महान लक्षण है, वो दे रहे हैं कि वो भगवान का भक्त है, ये बता रहे हैं। तो अगर नहीं है तो आप लोग पढ़िएगा पुनः, सिर्फ अनुवाद पढ़िएगा, और ये आप सबका होमवर्क है। कल बताएंगे कि कहाँ पर शिला प्रभुपाद ने बताया और कौन से श्लोक में बताया है। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसके विरक्त विरक्ति का दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण भी बता दिया, दूसरा भी विरक्ति के लक्षण शिला प्रभुपाद ने बता दिए। ये सारे गुण तथा आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा है। इस तरह का यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं मिल सकती। हमने बताया आपको पिछले चेतना के स्तरों में किस प्रकार हम आते हैं, तो हमारे लिए अर्थ से शास्त्र से बड़ा धर्म शास्त्र और धर्म शास्त्र से बड़ा ज्ञान शास्त्र है। इसलिए शिला प्रभुपाद की जितने भी बुक हैं, जितने भी उन्होंने कहीं पर भी परपट दिए हैं, तात्पर्य दिए हैं, अपने चीजों को हम जैसे पतितों के लिए समझाने का प्रयास किया है, तो हमेशा उन्होंने तीन स्तर पर ही बात करी है, अर्थशास्त्र, ज्ञान शास्त्र और धर्म शास्त्र। उन्होंने बताया है कि सबसे ऊपर यदि कुछ होगा तो सदैव ज्ञान शास्त्र होगा, जहां पर हमें इस सेल्फ रियलाइजेशन से बाहर निकल करके अपनी चेतना, अपने तत्व को, गुरु के आदेशों को मानते हुए भगवान के चरणों में सदैव सेवा करना है। आज अर्जुन यहाँ पर शिला प्रभुपाद ये भी बता रहे कि अर्जुन इसलिए भी पुण्यात्मा था क्योंकि सदैव उसने भगवान का संग किया है, और आज ही नहीं, इसी जन्म में नहीं, अनेक अनेक अनादि जन्मों में और आगे भी अनादि अनादि कालों में ये दोनों साथ होंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश भी दिया है, शिला प्रभुपाद ने भी यही बताया है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में सारी चीजें पुनः अर्जुन के इस पुण्यात्मा होने के लक्षण भी बता दिए हैं। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। कौन से दैवी गुणों में दक्ष था? श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक यहाँ रेफरेंस में आता है, 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, जहां पर हमारे बलदेव विद्याभूषण जी और कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि अनेक अनेक जन्मों के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि के द्वारा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए, जब तक उसका मरणशील शरीर क्षीण होकर नष्ट नहीं हो जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गहित योनि में भी प्राप्य है, किंतु कृष्ण भक्ति मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये बताया गया है, कहा जा रहा है कि हम इंद्रिय तृप्ति तो किसी भी योनियों में कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति मिलेगी तो केवल और केवल इसी जन्म में। यही हम मनुष्यों का दैवी गुण भी है। साथ ही इस आमुख में, इसी ही श्रीमद् भगवद गीता के आमुख में भी शिला प्रभुपाद ने पांच गुण भक्तों के बताए थे, जिसको हजरत तमाल कृष्ण प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उसका विस्तार से समझाया कि वर्णन किया था। क्या कोई बता सकता है कि भक्तों के पांच गुण इस मनुष्य योनि के उन्होंने क्या बताए थे? मुझे कक्षा दूसरी की वो बातें याद आ रही है, जहाँ पर हम बड़े आराम से बैठते थे, हमारी टीचर दीदी आती थी और वो बोलती थी, पढ़ाती थी, और फिर ऐसा हो जाता था आगे पाठ पीछे समान, सब
सपाट तिमाही परीक्षा दी, पीछे 1 से 6 तक भूल गए, 7 से 12 फिर पढ़े, फिर भूल गए, फिर फाइनल फाइनल एग्जाम्स आया और फिर उतना ही पढ़ा। और फिर इसी तरीके से हम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को भी पढ़ेंगे। पहले जैसे अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो भी भूल जाएंगे, उसके बाद वाला योग आएगा फिर उसे भी भूल जाएंगे, अंतिम वाला योग आएगा वो भी भूल जाएंगे। जब पूछेंगे अच्छा पहला कौन से 6 अध्यायों का योग था, तो कौन सा कोई तो बोलेगा, फिर हम रिपीट कर देंगे। बिल्कुल आज हम उसी प्रकार से इन कक्षाओं में बैठ करके गीता को भी पढ़ रहे हैं। किसी को भी वो याद नहीं है कि प्रभु जी ने कौन से उन 5 लक्षणों पर चर्चा की थी जो हमें इस जन्म में प्राप्त हुई है। तो मैं बता दूं, आप लोग पेज नंबर खोलिए, 4, पेज नंबर 4 आमुख का, भूमिका का। आप भूमिका में प्रभु जी ने बताया है कि भगवान से 5 प्रकार के हमारे संबंध स्थापित हो सकते हैं इस मनुष्य योनि में। वह है, कोई भी निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई भी सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई भी सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपत्ति के रूप में भी भक्त हो सकता है। और इन सब के बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए थे। यदि आप में से अब किसी ने भी वो एग्जाम्पल लिखे होंगे, उन्होंने इनमें से हर एक अवस्था का एग्जाम्पल भी दिया था। और अगर वो भी नहीं लिखे होंगे तो ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है कि 5ों अवस्थाओं में उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल उदाहरण हमें बताए थे प्रभु जी ने। अच्छा कोई ये तो बता सकता है ना, माता के रूप में कौन सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था? कोई बात नहीं, ये भी होमवर्क है, यानी आज की कक्षा में 3 होमवर्क। हरे कृष्ण ये माता, वात्सल्य 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 भाव वात्सल्य भाव में उन्होंने वात्सल्य, किसका उदाहरण दिया था? अपने बच्चे के रूप में कृष्ण को मान सकते हैं ये वात्सल्य भाव का मतलब ही यही है कि हमें अपने पुत्र के रूप में भगवान को स्वीकार करना है। तो 5ों शास्त्रों से उदाहरण दिए थे श्रीमद् भगवतम से हमें हम प्रभु जी ने। तो आप सब बताएंगे कि कौन से उदाहरण दिए थे? आज 3 3 होमवर्क मिला है। पहला जी माता जी। होमवर्क, तीसरा होमवर्क, यानी कि ये बताना है कि कौन कौन से ये 5ों हैं। उसके पिछला होमवर्क कि कहाँ पर शिल प्रभुपाद ने इन गुणों का, अर्जुन के इन दिव्य गुणों का वर्णन किया था अपने तात्पर्य में भी और श्लोक से संबंधित है। और पहला कि पहले अध्याय के उन 25 पॉइंट्स पर क्या विचार किया गया था और उसका सार क्या था। तो आशा करती हूँ कि ये 5वां और 6वां श्लोक आप सभी को बहुत ठीक तरीके से समझाने का प्रयास किया होगा और समझ में आया होगा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वह अपने प्रश्न हमसे कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो यदि आप कुछ कहें तो अच्छा होगा। हरी थैंक बोल। यू माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। आप सबों ने, मुझे ऐसा लगता है कि उपस्थिति दर्ज कराना ही यही सबसे बड़ी बात है कलयुग में। किसी व्यक्ति के पास जब एक दूसरे के लिए समय नहीं है, तब अपने कानों को शुद्ध करने के लिए किसी वैष्णव के मुख से भगवान के इस गीत को सुनना, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, हम सब पतित जीव हैं, नहीं याद रहता, उसके बाद फिर आलसी हैं, लिखना भी भूल जाते हैं। किंतु सबसे अच्छी बात यह है कि हम सुबह सुबह जिस समय लोग सोना पसंद करते हैं, जिस समय लोग अपने आनंद में रहना पसंद करते हैं तमोगुण में, लोग उस समय श्रीमद् भगवद गीता की कक्षाओं में आकर बैठते हैं। ये इनके इन प्रकार आप सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद आपको स्वीकार करें और धीरे धीरे, जैसा आपने कहा, सबको हैबिट होगा, सबके अंदर यह प्रेरणा आएगी। आपने बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे अर्जुन
देहात्म बुद्धि में स्थित होकर भगवान के प्रति बिना शरणागति के एक मित्रवत व्यवहार करते हुए प्रश्न कर रहा है। अर्थात बिना शरणागति के कोई भी व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जो भगवान देना चाहते हैं। इसलिए यदि किसी को दिव्य ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले किसी से भी, न केवल भगवान से अथवा गुरु से अथवा किसी और से कुछ भी मांगना हो, कुछ लेना हो, तो सबसे पहले एक भाव होता है जिसको कहते हैं समर्पण। तो सबसे पहले व्यक्ति को उसके सामने जाकर अपना समर्पण करना चाहिए, तन मन अथवा धन का। किस समर्पण को स्वीकार करेंगे, किस समर्पण से सामने वाला व्यक्ति। अब भगवान श्री कृष्ण को धन देकर तो अर्जुन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उनके सामने हाथ जोड़े कि आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें, है ना। आने वाले श्लोकों में इस बात का विवेचना भी भक्तों के द्वारा किया जाएगा। थैंक यू सो मच आप सबकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू माता जी, आपने दोनों दिन क्लास एंगेज किया इसके लिए। थैंक यू गौतम बुद्ध प्रभु, ललिता प्रिया माता जी, अहिल्या मैया, सत्यवती मैया, पूर्ण चंद्र माता जी, कस्तूरी माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका गौरांगी मैया, अंकिता मैया, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया आज उत्तर देने का। अंकिता माता जी ने चीजों को कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर को समराइज्ड करने का प्रयास किया। प्रेजेंट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमें उत्तर न भी पता हो तो भी हमें जो भी याद हो, अच्छा लगा सत्यवती मैया का प्रयास कि उन्होंने बोले फर्स्ट चैप्टर से मुझे यही याद है माता जी, तो मैं यही बताऊंगी। ओके, आपको ये याद है, आप यही बताइए, ये अच्छा है। एटलीस्ट सामने से व्यक्ति ने प्रयास किया ना, हमारा हेजिटेशन खत्म होगा और कल से हम फिर बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो आपको समझ में आता है वो बताइए, सही या गलत। आप समझिए कि इन कक्षाओं में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। इन कक्षाओं में जरूरी होता है अपने आप को एंगेज करना, अपने आप को कक्षाओं के बीच में लाना, है ना। सही या गलत की तो अलग बात है, सही या गलत वो तो जो स्पीकर है वो विवेचना करके सही या गलत बता देगा। यहाँ पर कोई सही या गलत नहीं है, क्या हर व्यक्ति सही है ना। हमें तो सिर्फ, हम एक दूसरे को सुनने या एक दूसरे का संग लेने आए हैं, तो हमें इस संग के लिए और प्रयास करना चाहिए। पुनः आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। आज हमारे बीच में राजनाथ गांव से जुड़ी हैं दिव्या बोरिया माता जी। विगत एक माह से हमारे साथ हमारे इस भगवद गीता क्लास में जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कक्षा जुड़नी है या क्या करना है। जब कल इनसे हमारी चर्चा हुई, बातें हुई, तो ये हमारे साथ जुड़ी, इनका धन्यवाद। दिव्या माता जी, आप हमारे साथ जुड़िएगा। प्रतिदिन इसी तरीके से कक्षाएं होती हैं। साथ ही साथ जिन भी भक्तों ने कक्षाएं अब तक नहीं सुनी है, वह YouTube में लिंक के माध्यम से इसे सुन सकते हैं, और आप भी पिछली कक्षाओं को श्रवण कर सकती हैं, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। सभी भक्तों का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता महापुराण की जय। नितायन दाई कौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।